हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 10 बज गए और मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ। मैंने सिर्फ अभी मुंह धुली हूँ क्योंकि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और एक चीज़ हमारे यहाँ नई हुई है, देखिए हमारे यहाँ सारे में पर्दे लगे हैं अभी, तो ये बाहर का है। और इधर एक और लगा है यहाँ पे पूजा वाले में, और एक वो लगा है, तो अभी देख सकते हैं पूरा रूम बिखरा पड़ा है। इसे समेटूंगी अभी, और उधर नहाने के लिए पानी गर्म करने रख दी हूँ, नहाऊंगी। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो करूंगी। और किचन का भी हाल देख सकते हैं, आज खाना इन्होंने बनाया है, चावल और सब्जी बनाए हैं, टमाटर की चटनी। और इन दोनों का खा के भी हो गया है, वो चले गए हैं ऑफिस, और खनक बाहर पढ़ाई कर रही है। अभी हॉस्पिटल से लेके आए हैं, खनक को कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसे हॉस्पिटल दिखा के लेके आए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने, तो अभी झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद देखिए क्या क्या करती हूँ। आज के ब्लॉग में बनी रहिएगा, तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ देखिए अंगूर लेकर आएगी, तो यही तो मेरे यहाँ सबसे पहले काम रहता है झाड़ू लगाने का। आज इन्होंने वैसे खाना बना लिया था, किचन में झाड़ू लगा लिए थे लेकिन इधर नहीं लगाए थे, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए लेट हो गया बहुत, नहीं तो अभी तक सारे काम हो जाते हैं। जब काम होते हैं उस टाइम पर मैं आज काम स्टार्ट कर रही हूँ। 10 बजे मेरे वैसे सारे काम हो जाते हैं लेकिन आज 10 बजे से काम स्टार्ट हो रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद जाऊँगी मैं अपना जो काम है वो करने के लिए। वो क्या काम है आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बेड उठे तो अभी कंबल उठा के रख दी हूँ, उसके बाद इसके टॉय जमा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कल ही पोछा मारी, तो आज पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, यहाँ पे झाड़ू बस लगा लूँगी। और आज लेट भी हो गई हूँ इसलिए देखती हूँ कल पोछा उछा लगा लूँगी। तो ये मैं आ गई थी बरामदे में सामने, तो ये बैठ के अपना पढ़ाई करने के लिए निकाली थी टेबल, लेकिन कर गया रही है। देखिए जो स्लेट होती है ना उससे मिटाने के लिए मंगी थी ये कपड़ा, लेकिन उसी का खेल में लग गया, उसको गीला कर लिए। इसको जब भी टाइम मिलता है और मैं काम में बिज़ी रह जाती हूँ तो ये बस जाएगी और पानी में खेलना स्टार्ट हो जाता है। इसका पानी खेलना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इधर मेरी झाड़ू लग के हो चुकी है और यहाँ कर रही है खन को पढ़ाई। ये हाय बोलो, इधर हाय कर, हाय, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैंने किचन में बेडरूम में अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ, मैं आ गई हूँ यहाँ पे देखिए बाथरूम साइड में, तो यहाँ मैंने भी यहाँ झाड़ू लगा ली हूँ अच्छे से। और इधर भी अब मुझे करना है बाथरूम साफ, उतने अच्छे से क्लियर दिखता नहीं क्योंकि यहाँ उजाला की कमी है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ साफ करूँगी, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ झाड़ू लगा ली थी और मैंने यहाँ ली हूँ बड़ी वाली बाल्टी में पानी, तो यहाँ मैं पानी से अच्छे से यहाँ पूरे गीला कर लूँगी और उसे से झाड़ू लगा दूँगी, उससे तो क्लीन हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखा है हफ्ते में एक बार कर ही लेती हूँ, वैसे डेली डेली मैं नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं लेकिन सब लड़के लड़के हैं तो वो लोग सफाई तो करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं ही करती हूँ, हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ। बाकी झाड़ू तो डेली लगाती हूँ अपने तरीके से, क्लीनिंग हफ्ते में संडे को या फ्राइडे को, जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं ऐसा क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे बाहर में। और बाथरूम हफ्ते में 2-3 बार तो कर ही लेते हैं हम, जब भी नहाते हैं तो एक बार कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने पानी डाल दिया है, उसे झाड़ू अच्छे से साफ कर लूँगी। इधर साइड से मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ साफ करने को, ओनली पानी से ही कर रही हूँ, लेकिन आगे मैं जहाँ पे कपड़े पे धुलती हूँ उधर साइड पे मैं निरमा वाला पानी डालूँगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी डस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गंदगी रहती है वो जैसे जम जाती है। और इससे यहाँ पे मैं बताऊँगी कि यहाँ पे ना बीच वाला हमारा है, लेकिन राइट साइड के दो लोग यूज़ करते हैं
और हमारे बच्चे हैं ठनक है इसलिए हम लोग केयर नहीं करते हैं। यहाँ पे रूम की बहुत प्रॉब्लम होती है, रूम मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है और मिल भी जाए तो पसंद नहीं आते। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम होती है कि रूम देखने जाओ तो 3,000-4,000 रूम किराया देंगे, लेकिन बाथरूम शेयर करना पड़ता है तो ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल चीज़ होती है। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, तो हम यहाँ पे नहीं करते बाथरूम जैसे शेयर। ये छोटा सा ही बाथरूम है लेकिन शेयर नहीं करना पड़ता, ये अच्छी चीज़ है। इसलिए हम लोग शेयर करने वाले, इसमें रूम अच्छा मिले और बाथरूम शेयर करना पड़े तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ तो यहाँ साफ़ कर दूँगी मैं अच्छे से। निरमा के पानी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो यहाँ मैं पानी डाल दूँगी अब। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन करता है। मुझे बहुत दिन पहले एक कमेंट आया था कि हम इस तरह नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स ये तो जनरली काम में सभी करते हैं ऑलमोस्ट, मैं तो हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियोस के लिए करती हूँ, मैं तो करती ही हूँ। तो मुझे कोई अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता इसमें, और मैं घर पे भी साड़ी पहनती हूँ तो साड़ी में काम करना मैं बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग देख ही सकते हैं, समझ में आता है कि जो फर्स्ट टाइम करता है वो करते रहता है, तो आप लोग को पता भी चलता होगा कि मैं सिर्फ वीडियोस के लिए या इसके लिए काम नहीं करती हूँ, यानी कि मैं कम्फर्टेबल हूँ तो मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे एक दो कमेंट आए थे इंस्टा पे भी, और किसी ने बोला था, तो वही मैं क्लियर कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं। और साड़ी पहनने से लोग बोलते हैं साड़ी पहनना ऐसा होता है वैसा डिफ़िकल्ट होता है, भी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाथरूम में और हम बाथरूम साफ करेंगे और यहाँ तो बाथरूम में वैसे बहुत कम होती है, शेयर करना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत पर्सनल मिला हुआ है, छोटा सा है लेकिन पर्सनल है तो ये अच्छी चीज़ है। आंगन मेरा क्लीन हो गया था तो मैं आ गई थी, अभी हम बाथरूम साफ़ करने, पहले बाथरूम साफ़ कर लूँगी और यहाँ रेड हारपिक डाल दूँगी मैं और इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम टॉयलेट साफ कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम बहुत ही छोटा स्पेस है, वैसे इसी लोग यानी खड़े रह सकते हैं इसमें, पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे बाथरूम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, नहीं तो शेयर करने वाली जगह पे जाओ तो फिर वो फैमिली वाले नहीं कर पाते हैं। तो शहरों में वैसे ही प्रॉब्लम होती है, हमारे गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, लेकिन जॉब की वजह से बाहर रहो तो ये सब प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है। तो कौन कौन किराए के घर से रहता है और कौन अपने पर्सनल घर में रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे तो 7 साल हो गए हैं बाहर रहते हुए, तो मैं तो ये नॉर्मल सी बात हो जाती है, रहते रहते आदत सी पड़ जाती है यूज़ करने की। यहाँ पे क्लीन हो गया है बाथरूम, अब चलेंगे हम टॉयलेट साफ करने। तो फ्रेंड्स बाथरूम हो गया है, अब अभी मैं यहाँ पे टॉयलेट साफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्पिक लाइन लगाऊंगी अच्छे से और इसको हम 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने हार्पिक डाल दी थी और उसके बाद में मैं यहाँ अच्छे से क्लीन कर दूँगी, यानी अच्छे से ब्रश लगा चला देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और हार्पिक तो बहुत ही अच्छा होता है, सभी यूज़ ही करते हैं हार्पिक है। तो यहाँ पे अभी ना ये ब्रश मेरा थोड़ा नया सा है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और उसके बाद मैं डाल दूँगी पानी तो साफ़ हो जाएगा पूरा। और मैं देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे गीली भी हो गई, साड़ी गीली हो जाती है, पानी वाले काम करो तो कपड़े धुलो या ये सब करो गीले तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ मेरे 2 मिनट हो गया था तो मैं डाल दूँगी पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ साथ में साफ़ भी करते जाएंगे। वैसे छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे घर के काम होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि कोई बाहर से आके करेगा, जब भी यूज़ हम करते हैं तो सफाई करने के लिए कोई बाहर से क्यों आएगा, हम ही कर लेंगे। तो यहाँ मेरा हो गया है। तो फ्रेंड्स सफाई हो गई है, यहाँ की भी सफाई हो गई, देख सकते हैं आप अच्छे से, और हमारे यहाँ की भी सफाई हो चुकी है बाथरूम की भी। ये
अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेरा नहा के हो गया है और मैंने देखी हेयर वॉश की हूँ और इससे कवर कर ली हूँ, तब जा रही हूँ मैं कपड़े लेके। कपड़े धुल के हुए थे तो सोची छत पर डाल आती हूँ, जल्दी से सूख जाएंगे। तो मैं कपड़े लेकर आ गई थी छत में और छत में मैं डाल दूँगी कपड़े। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, थोड़ा सा भी मेरा बात पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा कि जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यहाँ मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी बनता है। तो मिलेंगे ऐसी कोई नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए और जल्द से जल्द मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना सब बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट, थोड़ा सा भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और बहुत धूप है तो मैं यहाँ अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ। मिलती हूँ कोई ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।